रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले लेसन 39 जो फ्रैक्शंस के ऊपर है उसको वॉच कर लें, फिर आपको समझने में आसानी होगी। फ्रैक्शन को उर्दू में जुज या टुकड़ा कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द रेक्टेंगल, कलर 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप देख रहे हैं कि 2/3 का मतलब होता है 2 out of 3 इक्वल पार्ट्स, तीन में से दो हिस्सों को करना। अब आपने देखे हैं ये मुस्ततील है, इसके तीन हिस्से, आपने दो हिस्सों को कलर कर दिया तो ये 2/3 हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इसके हिस्से बकरे मत करो। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस्लाम एक घर की तरह जो हमें हिफाजत और शेल्टर देता है, इसके 5 पिलर्स हैं और इसकी माशत मीशत इसकी दीवारें और इसकी छत के बराबर हैं। तो अगर हम इसको पूरे के पूरे दाखिल ना हों तो फिर हम कहते हैं हमने ये बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी। तो असल में हमें अल्लाह के बारे में सोचना चाहिए, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। हमारी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है, इस मुसलमान अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे होता है। हमें अपने दिल से सारे शक निकालने चाहिए। कुरान जीत में आता है कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तहकीक करो। अल्लाह ने पूरी दुनिया को दावत दी है, तो जितना हम इस किताब को तर्जमे से पढ़ेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे, इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने फ़ायदे में है। अल्लाह ने इस किताब को बहुत आसान बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़ना आती है तो उर्दू में समझ के कुरान जीत पढ़ें। ये अल्लाह रब कायनात की का पैगाम है, इस पर अमल करना हमारा ही फ़ायदा है। अब ये अगली एग्जाम्पल है, लुक एट द फ्रैक्शन एंड कलर द फिगर 3/4। अब यहाँ पे आप वीडियो को रोकें, इसकी अपनी कॉपी पे इसकी शेप बनाएं और 3/4 कलर करें। आपको पता है कि 3 out of 4 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड, यानी 4 में से आपने 3 हिस्से जो हैं वो कलर करने हैं। तो ये टोटल इसके 4 हिस्से हैं, तो आपने 3 किए तो ये 3/4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, लुक एट द फ्रैक्शन एंड कलर द फिगर 1/2। तो आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है, इसके 2 हिस्से हैं, तो 1 out of 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपने एक हिस्से को, वीडियो यहाँ पे रोकें और उसके मुताबिक स्टेप्स करें कि 1 out of 2 इक्वल पार्ट्स के आपने 2 पार्ट्स में से एक को कलर करना है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद अगली एग्जांपल है, ये आपके सामने एक सर्कल है और आपने 5/8 करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके 8 बराबर हिस्से हैं, तो वीडियो यहाँ पे रोकें। तो आपने इन 8 टोटल हिस्सों में से 5 को कलर करना है, क्योंकि 5 out of 8 इक्वल पार्ट्स जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाला हिस्सा छोटा हिस्सा होता है। तो हमने 5 को 8 में से 5 को कलर किया, तो ये हमारे में से 5 out of 8 आ गए। अब यहाँ पे आपने मैच करना है, कुछ एक तरफ फिगर्स हैं एक तरफ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। अब वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इनको खुद से मैच करें और फिर इनका जवाब देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1/4 जो है वो सबसे नीचे वाला है, एक हिस्सा इसका कलर्ड है, टोटल 4 पार्ट्स हैं। फिर 1/3 में टोटल पार्ट्स 3 हैं और एक हिस्सा कलर्ड है। और आखिरी जो है 5/12 के, एक सर्कल को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया और 5 हिस्से उसके कलर्ड हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि लेफ्ट साइड पे फिगर्स हैं और राइट साइड पे फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, आपने इनको मैच करना है। वीडियो यहाँ पे रोके, खुद से हल करने की कोशिश करें और उसके बाद इसका जवाब चेक करें। तो ये 2/5 जो है, टोटल पार्ट्स आर 5, कलर्ड आर 2, तो इसको 2/5 लिखेंगे। और 1/8, 8 हैं टोटल पार्ट्स सर्कल के और उनमें से एक कलर्ड है, तो ये 1/8 लिखा जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।